लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मध्य प्रदेश चुनाव में ताल ठोक दिए। सचिन पायलट और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गुरुवार को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सभा की। इसी कड़ी में सचिन पायलट ने मंदसौर पहुंचकर कांग्रेस उम्मीदवार दिलीप सिंह गुर्जर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और मतदाताओं से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। सचिन पायलट ने कहा कि पहले चरण के मतदान में जब बीजेपी को पता चल गया कि मामला गड़बड़ है तो बीजेपी किसान, महंगाई और बेरोजगार के मुद्दों से हटकर मंगलसूत्र, पाकिस्तान, घुसपैठियों जैसे मुद्दों पर भाषण देकर जनता की ताली हासिल कर रही है। पायलट ने कहा कि ये चुनाव देश के भविष्य का चुनाव है। 10 साल राज करने के बाद ही बीजेपी का पेट नहीं भरा है, अब 5 साल और मांग रहे हैं। बात 2047 ही कर रहे हैं। देश में जितना महत्व सरकार है उतना महत्व विपक्ष का भी है, लेकिन बीजेपी विपक्ष का गला घोटने का काम कर रही है। देश को अगर मजबूत करना है तो हमें उन लोगों को चुनना चाहिए जो देश के संविधान का सम्मान करें। पर जो राजेश पायलट जी का, मैं तो छोटा था पर सुनते थे कि राजनीतिक दलों से ऊपर लोग उनका सम्मान करते हैं, सही है कि गलत? तो जैसा उनका व्यक्तित्व है वैसा ही सचिन भैया का है। कोई भी पार्टी के नेता हो तो हमें कहते हैं यार, देखो यार सचिन, जीतू भैया मेरे को भी कई कहते हैं यार, तुम्हारी कार्यशैली अच्छी है, बहादुर हो, लड़ते रहते हो, पर सचिन पायलट जैसे बनो। तो मेरे को भी होता है कि यार तब चश्मा तो लगा दे सकता हूँ मैं, बाकी तो सचिन भैया के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। सरपंच, पार्षद, विधायक और सांसद चुनते रहे उसका चुनाव है, याद रखो आप सब। ये नरेंद्र मोदी जी 75 साल, अमृत महोत्सव, इसमें बातें क्या हो रही है? संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की। और नरेंद्र मोदी जी को देश का ग्लोबल इंडिया, देश के प्रधानमंत्री को ग्लोबल नेता बनना है। हमारे ग्लोबल नेता की भाषा कैसी है? कैसी भाषा? वो अभी चुनाव में हमारे सामने विजन लग गया है कि मैं 1947 की तैयारी कर, 2047 की तैयारी कर रहा हूँ। अब की बात 400 पार भाषा बोल रहा हूँ। और जब पहला चरण जैसे ही हुआ पता चला कि नैया डोल रही है, गड़बड़ है, मध्य प्रदेश में भी एक सीट थी उससे 7, 8, 9, 10 हो रही है, तो सरकार कैसे बनेगी? फिर पुराना फार्मूला। अब बात करते हैं कैसी भाषणों में, मांस, वेज, नॉन वेज, हिंदू, मुसलमान, मछली, घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बच्चे पैदा करो, कैसी भाषा? अरबल, नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है? ये शब्द प्रधानमंत्री के है? आप गोबरों से बनाया, एक किसान का बेटा जो ग्रामीण परिपेक्ष में पैदा होकर अपने दम पर विधानसभा में पहुंचा। और दिलीप जी को मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, स्वर्गीय पायलट साहब के समय से, ये हमेशा छोटे छोटे कामों के लिए अपने क्षेत्र की, इलाके की, जिले की हर समस्या को अपना समस्या मानकर आगे बढ़ने का काम करते हैं, इसलिए हम सब इनके समर्थन में आज वोट मांगने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, देश में जो राजनीति हो रही है उसमें पहले चरण का चुनाव हो चुका। दिलीप जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, प्रदेश में जो तीसरा चरण होगा 13 मई को आपको वोट डालने हैं। और बिल्कुल ठीक कहा लॉकडाउन ने कि मंदसौर जिले से, क्षेत्र से बहुत पुराना संबंध है, स्वामी साहब का रहा और मुझे भी सौभाग्य प्राप्त रहा। आपके शुक्र हो रहा है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और हमारी कोशिश है कम से कम कांग्रेस पार्टी की कि ये चुनाव उन मुद्दों पर लड़ा जाए जो लोगों के जीवन को प्रभावित करता है, नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित करता है, किसान और किसानी को की, मुसलमान की, हिंदुस्तान की, पाकिस्तान की। क्योंकि मुद्दों में भाषण देने मजा आता है, जनता को ताली बजाने मजा आता है। और हम लोगों ने सिद्धांत के बात अपनाई है कि हम लोग सरकार बनने के बाद, और ये कांग्रेस पार्टी का औपचारिक घोषणा है, यहाँ बहुत से किसान भाई बैठे, देश आजाद हुए बहुत समय हो गया, 10 साल बीजेपी की सरकार रही पूर्ण बहुमत की, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, पूरे देश में आंदोलन हुआ, सैकड़ों किसानों की आत्मा आज गवाही दे रही है।
जो मर गए बेचारे हमारे किसान भाई, उनके खिलाफ तीन काले कानून बनाए। बीजेपी चाहती थी कि देश में मंडियों को समाप्त कर दो, सरकार तो फसल खरीदती है उसको समाप्त कर दो। पूरे देश में बदलाव का माहौल है, मध्य प्रदेश में भाजपा से ज्यादा सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दिलीप जी को यहाँ पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, भारी मतों से जीतकर बदलने वाला है। मध्य प्रदेश में पहले चरण के चुनाव हुए उसमें 3 सीट से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनी, और पूरे प्रदेश में एक तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। और मैं मानता हूँ मंदसौर नीमच उज्जैन दोनों सीटें मालवा की कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और जीतेगी। धन्यवाद। ये 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया नहीं, और जो किया नहीं वो बता नहीं सकते। अब झूठ, पाखंड, घृणा, नफरत, कुछ जो भी बोल के अपने ध्यान बांटना चाहते हैं, जनता समझ गई है कि 10 साल से झूठ सुन रहे हैं, अब सच बोल सुनना चाहते हैं। बीजेपी हारेगी। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।